मोदी सरकार ने जब से धारा 370 को खत्म किया है तब से लेकर अब तक इस बात को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने 370 को कैसे खत्म किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यूपी के मेरठ में जन जागरण जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जनता को धारा 370 के बारे में जानकारी दी। साथ ही वसुंधरा ने अपनी सरकार की खूबियां भी गिनाई। देखो एक बहुत बड़ा आई यू टॉकिंग पीओके अरे दैट अभी तो क्या हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। मैं आई एम श्योर जो इसका काम था 373, 56, 360, 35A ये सब जो मामले हैं उनको एक दफ़ा टाइट अप करने के बाद आई एम श्योर रास्ता निकलेगा। अब वो चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्डिनरीली अपन भाषण में या ऐसे बात नहीं कर सकते, पर इतना विश्वास वो रख सकते हैं जब उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया है तो आगे बस। अब मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी। जाहिर है कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार की राजधानी पटना से 370 को संविधान में एक नासूर कैंसर बताया था और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। धारा 370 का जहां तक वाद है, धारा 370 संविधान का एक ऐसा नासूर था। मैं नासूर जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा नासूर था जिसने बहनों भाइयों हमारे ही जिगर के टुकड़े और इस दुनिया के स्वर्ग हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया के स्वर्ग कश्मीर को लहूलुहान इस धारा 370 ने कर दिया था। प्रारंभ से लेकर हम लोगों ने, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत को एक राजनीतिक विचारधारा ही नहीं दी है बल्कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी, प्रारंभ से ही धारा 370 को लेकर हमने बराबर संघर्ष किया और कहा कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। सपने सभी लोग देखा करते हैं, लोग ये कहते हैं कि सपने तो लोग देखते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते, लेकिन हम कार्यकर्ताओं ने यह करके दिखा दिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह करके दिखा दिया। बहन भाइयों, सपने तो हम भी देखते हैं लेकिन आंख बंद करके सपने नहीं देखते हैं, आंखों को खोल कर हम सपने देखते हैं, इसलिए हमारे सपने मुख्य रूप से पूरे हैं। मेरठ से वसुंधरा राजे के चले जाने के बाद जब एबी स्टार ने लोगों से धारा 370 के बारे में सवाल पूछे तो जनता ने कुछ इस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ये है कि जो धारा 370 हटाई है वो बहुत सही किया है और ये ना बहुत समय से 70 साल से जो एक हमारे जो दोस्त था कश्मीर में उसको हटाने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये तो बहुत समय पहले हट जाना चाहिए था क्योंकि उस समय वहाँ पर विकास रुका हुआ था, कोई विकास नहीं हो रहा था। अब ये हट गई 370 तो वहाँ सब विकास होगा और जो लोग यहाँ से चले गए थे वो भी वो जरूर जो विस्थापित हो गए थे यहाँ से वो दोबारा से आएंगे और अपने अपने ही मूल स्थान पर रहेंगे और ये जो है बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि धारा 370 हटा दिया है। 370 हटी है, बहुत खुशी की बात है, इससे रोजगार बढ़ेगा क्योंकि भारत में जो है रोजगार खत्म हो गया है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। धारा 370 हटने से रोजगार बढ़ेगा काफ़ी और जो आ रही हैं ये भी शायद इसी उसमें आ रही हैं कि रोजगार बढ़ेगा और स्थितियों में जागरूक होंगे, लोगों को जागरूक करना है। देखिए सरकार ने फैसला लिया धारा 370 में पैंतीस से हटाने का, सिर्फ जमीन रखने का, जबकि पूरा देश ये चाहता था पूरे देश के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। नागालैंड में भी हटनी चाहिए थी, मिजोरम में भी हटनी चाहिए थी, मिजोरम में भी हटनी चाहिए थी और जब आपने हटा दिए थी तब तो उस पर राजनीतिक सरकार भाजपा की पार्टी कर रही है तो देश के लिए शर्म की बात। कैसे मैं आपको बताऊँ, सत्ता धारा 370 में हटी लेकिन क्या कर्फ्यू अभी तक नहीं हटाना? आप पहले वहाँ की स्थिति में सामान्य था, वहीं एक पार्टी के लीडर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, लेकिन वहाँ राज्यपाल जी कहते हैं आप आकर देख लीजिए यहाँ सब चीज़ यहाँ सारी स्थिति क्लियर है, यहाँ कोई ऐसी आपत्तिजनक स्थिति नहीं है, लेकिन जब वो व्यक्ति वहाँ खुद पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ से वापसी भेज दिया जाता है। तो देश की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें आरक्षण की आपत्ति नहीं है लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं सरकार को, उस पर भी जवाब देना चाहिए। जब पीओके का आप क्या होगा? गौरतलब है कि धारा 370 को लेकर देश में एक नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के ज्यादातर नेता खासतौर पर कश्मीरी इसे जहां एक ओर कश्मीरियों पर ज्यादती बता रहे हैं तो वहीं मोदी सरकार दिल्ली से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों में धारा 370 पर अपनी पीठ थपथपा रही है जिसका दुनिया समर्थन भी कर रही है। लिहाजा
बीजेपी भी इस बात का फायदा उठाते हुए जनता से 370 पर देश भर में जनसंवाद कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद इस तरीके से भाजपा सरकार एक लोगों को जन जागरूक करती हुई नजर आ रही है। वहीं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद है। उसी में आज मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहेंगी। अपने सहयोगी के साथ विपिन सोलंकी, एबी स्टार न्यूज, मेरठ।